Assalamu alaikum viewers, how are you all? I hope you will be fine and you are watching your channel Technology Fact. आज मैं आपको एक बहुत important topic के बारे में बताऊंगी जो कि है ChatGPT. ChatGPT क्या है और इसको आप कैसे use कर सकते हैं. ChatGPT एक open AI based conversational tool है जो एक text based website है. आप इसमें कोई भी topic से related questions करेंगे वो आपको answer generate करके देगा. ChatGPT 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ है और सिर्फ स्टार्टिंग के 5 डेज में इसने 1 मिलियन यूज़र बना लिए हैं. और यही 1 मिलियन का टारगेट यूट्यूब ने 8 महीने में कंप्लीट किया था और फेसबुक ने 10 महीने में. अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी और बहुत सारे लोगों की हेल्प करने जा रही है और बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को चैलेंज भी कर रही है और इसकी तारीफ एलन मस्क ने भी की है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगर हैं या आप प्रोग्रामर हैं या आप एक आम इंसान भी हैं तो आप कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. ChatGPT सिंपल ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करके दे देता है. लेकिन ChatGPT थोड़ा डिफरेंट है और उसमें आपको एक चैट बॉक्स ओपन होगा. वहाँ पर कुछ भी आप टाइप करेंगे आपको एक प्रॉपर आंसर आएगा बिल्कुल एक ह्यूमन लैंग्वेज में. अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको वेबसाइट बनाना है तो सिंपल आप वहाँ पर अपना टॉपिक से सर्च करेंगे आपको ये उसका आंसर जनरेट करके देगा. अगर आप ब्लॉगर हैं, आपने ब्लॉगिंग अभी अभी स्टार्ट की है, आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं आती, अब आपने सिंपल वहाँ पर अपने टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन सर्च करना है और ये आपको एक आर्टिकल देगा वो भी फ्री में. इवन अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देगा और उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा. अगर आप यूट्यूबर हैं, आपने यूट्यूब में वीडियो से रेलेवेंट आपको आइडियाज़ चाहिए, आप वहाँ सर्च करेंगे, आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन समझ नहीं आ रही, आपने टॉपिक सर्च किया, ये आपको उसका आंसर भी देगा. और ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ सर्च करेंगे आपको किसी वेबसाइट का या पेज का लिंक देगा कि इन्फॉर्मेशन देगा, ऐसा नहीं होगा. ये और ना ही कोई कॉपीराइट सिस्टम होगा, ये एक बिल्कुल ह्यूमन ऐसा आपको लगेगा कि आप एक ह्यूमन कन्वर्सेशन कर रहे हैं. और अभी इसकी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि ये बीटा वर्जन है तो इसमें किसी और लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का ही सपोर्ट होगा. बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत हेल्पफुल भी. आई होप यू गाइस यू लाइक द वीडियो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.